नमस्कार, मेट्रो न्यूज गुरुग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने शुरू हो गए हैं, ऐसे में लोगों की लापरवाही कोरोना को और ज्यादा बढ़ा सकती है। गुरुग्राम में कोरोना के आंकड़ों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। जिले में 24 घंटे में 59 नए केस सामने आए हैं। देश में एक बार फिर से कोरोना के मामले लगातार तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। इस वक्त हम गुरुग्राम में, गुरुग्राम की अगर आपको बात करें तो आज के दिन भी 59 मामले जो हैं कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। हम एक दिन पहले की भी बात करें तो ये 48 मरीज सामने आए थे कोरोना पॉजिटिव के, और आज की अगर बात की जाए तो 59, तकरीबन 60 जो केस हैं एक बार फिर आज सामने आए हैं। हालाँकि आप देख रहे हैं कि तमाम जगहों पर, भीड़ वाले इलाकों में अभी भी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने इसको, इस तरह के तमाम मामलों को, बढ़ते मामलों को देखते हुए जो है नाइट कर्फ्यू का भी ऐलान करा है, जो कि रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक रहेगा। लेकिन तमाम जगहों पर अगर बात करें तो लोग फिर भी बड़ी संख्या में आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। तो कहीं ना कहीं लगातार बढ़ता ये कोरोना का आंकड़ा, जहाँ ये मामले कभी 2 या 4 मामले रह गए थे तो वहीं ये मामले 12, 15, 16, 26, 28, 29 और उसके बाद 48 और आज ये मामले 59 तक आए हैं। 59 मामले कोरोना के पिछले 24 घंटे में सामने आए, जो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। हालांकि प्रशासन का बार बार कहना है कि ऐसे में एहतियात बरतें। सरकार की तरफ से ये भी कहा गया है कि 1 तारीख से केवल उन्हीं लोगों की अनुमति दी जाएगी मॉल में, रेलवे स्टेशन में, बस में, जिन लोगों ने दोनों वैक्सीन लगा रखी है। लेकिन ऐसे में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है नियमों की, नियमों का पालन करें, मास्क का इस्तेमाल करें। इसी से ही इस कोरोना की लड़ाई से जीता जा सकता है। गुरुग्राम से दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज। देश गुरुग्राम में क्रिसमस के त्यौहार पर सिविल लाइन चर्च में 8:30 बजे से लेकर 12 बजे तक हिंदी इंग्लिश में प्रार्थना का आयोजन। चर्च में कोरोना के नियमों का पूरा ध्यान रखा गया। कोरोना के चलते इस बार भी लोगों को कहा गया कि वे चर्च में भीड़ ना लगाएं, सीमित संख्या में आकर ही प्रार्थना सभा में शामिल हों और चर्च में पूरी तरह से कोविड के प्रोटोकॉल का पालन होता रहे। दोनों डोज लगवा चुके लोगों की ही एंट्री चर्च में दी गई। जिला प्रशासन ने आदेश जारी किए थे कि चर्च के बाहर ही प्रार्थना करने आए लोगों का जो सर्टिफिकेट है कोविड की वैक्सीन का, वो चेक किया जाए, जिसके बाद ही चर्च में एंट्री दी जाएगी। क्योंकि ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है और गुरुग्राम में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में सावधानी जरूरी है। 25 दिसंबर को वैसे मनाया जाता है लेकिन इसकी कोई डेट फिक्स नहीं है। पुराने ज़माने में कहते हैं कि 25 को ही क्रिसमस था, तो इसलिए हम लोग भी 25 को, प्रभु यीशु मसीह का जन्म आज के दिन हुआ था और उसी की खुशी में हम लोग आज यहाँ पे सेलिब्रेट करें। फ्रेंड्स वगैरह इवनिंग में आएंगे, साथ में सेलिब्रेट करेंगे। सुबह तो चर्च आना था पर अब एंट्री नहीं दे रहे हैं। मेरा फर्स्ट डोज लगा, सेकेंड डोज लगा नहीं है। क्रिसमस का दिन अपने परिवार के साथ सेलिब्रेट करते हैं, सब चर्च आते हैं सुबह, जितने भी आशीष मिले हैं उसके धन्यवाद करने के लिए, और उसके बाद अपने परिवार, अपने माँ बाप, अपने बच्चे, फैमिली, उनके साथ सेलिब्रेट करते हैं। क्रिसमस सेलिब्रेट करने आए हैं। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद है कि हमें ये मौका मिला और बहुत अच्छा सर्विस हुआ। 25 गुरुग्राम में खुले में नमाज का विरोध के बाद अब क्रिसमस की पूर्व संध्या पर ईसाइयों के कार्यक्रम का विरोध किया गया। मामला गुरुग्राम के पटौदी का है, जहां पर कल शाम निजी स्कूल में ईसाइयों के क्रिसमस त्यौहार का आयोजन शांतिपूर्ण तरीके से किया जा रहा था, लेकिन जैसे ही इसकी भनक कट्टरपंथी विचारधारा के लोगों को लगी, वैसे ही दर्जनों सैकड़ों लोग निजी अस्पताल के बाहर पहुंचकर कार्यक्रम का विरोध करने लगे। आयोजकों ने भरसक प्रयास किया, यहां पहुंचे तमाम युवाओं को समझाया, लेकिन तमाम उपद्रवी न केवल प्रोग्राम के बीच में पहुंचकर जय श्री राम के नारे लगाने लगे, बल्कि स्टेज पर चढ़कर माइक छीना और महिलाओं से अभद्र भाषा में बात भी करने लगे। हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम था बच्चों का, जो क्रिसमस का माहौल चल रहा है उसके अंदर हमने प्रोग्राम को रखा हुआ था, और उसके बाद कुछ पटौदी के बासिंदे आए, कुछ बाहर से भी उनके साथ थे, और उन्होंने आके जो है उपद्रव वहाँ पे किया और माइक स्टेज पे से खोस लिया, और खोसने के बाद जो है उन्होंने अपना कार्यक्रम स्टार्ट कर दिया। जय श्री राम के नारे लगाए, उपदंगबाजी किया, कुछ लेडीज से गलती भी बोला, तो सर उन्होंने ऐसा किया और हमें इस चीज़ से बहुत गलत लगा कि ऐसा क्यों उन्होंने किया, क्योंकि हमने पहले उनसे पूछ लिया था जब वो आए थे कि सर हम प्रोग्राम को करें या ना करें, तो उन्होंने बोला प्रोग्राम को करो, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद करने उनके बावजूद उन्होंने बोलने के बाद दोबारा अंदर जाके ऐसा।
गुरुग्राम में एक दिवसीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का शुभारंभ गुरुग्राम नगर निगम कमिश्नर मुकेश आहूजा ने किया। उनके साथ वार्ड नंबर 19 के पार्षद अश्वनी शर्मा भी मौजूद थे। प्रतियोगिता में जिले भर की 24 से अधिक टीमों ने हिस्सा लिया। यहां प्रतियोगिता पंडित दिनेश कुमार शर्मा मेमोरियल वॉलीबॉल स्पोर्ट्स क्लब के बैनर तले कराई जा रही। इस प्रतियोगिता से खिलाड़ियों में काफ़ी उत्साह नजर आ रहा। ऐसा है कि जब ये टूर्नामेंट पिछले 3 साल से करा रहे थे, लेकिन इस बार जो है इन्होंने एक नाम दे दिया हमारा पिताजी का, पंडित दिनेश कुमार शर्मा जी का, कि एक वॉलीबॉल का एक हो गया हमारा 25 दिसंबर का। तो हमारी एक यहाँ कीर्ति नगर की AVN स्पोर्ट्स एंड फिटनेस क्लब है हमारा, उन्होंने ये आयोजन किया है और मैं तो एक माध्यम बना हूँ उनका और ये करते आ रहे हैं। और आज जिस तरीके से 24 टीमें हमारे यहाँ पर एंट्री हुई हैं। मैं अभी तो वॉलीबॉल का गेम हो रहा है और इसमें लगभग 25 टीमें हिस्सा ले रही हैं। प्रथम टीम को 11,000 का पुरस्कार, द्वितीय टीम को 5100 का और तृतीय को 3100 का विद ट्रॉफी एंड मेडल। और ये सब शर्मा जी हमारे पार्षद जी हैं, इनके द्वारा किया। गुरुग्राम के सेक्टर 14 मार्केट में नाइट्रोजन सिलेंडर का ब्लास्ट होने का मामला आया सामने। ब्लास्ट में बच्चों के गुब्बारे में नाइट्रोजन गैस भरने वाले व्यक्ति के पैरों के चिथड़े उड़ गए। ये घटना लगभग शाम 4 बजे की है। हादसे के दौरान सेक्टर 14 के मार्केट हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद थे। हादसे के दौरान साथ में खड़ी 2 मोटरसाइकिल भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। गुब्बारे भरकर बेचने वाले व्यक्ति को गुरुग्राम के कल्याणी अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। गुरुग्राम के MBS मॉल के बाहर कार में आग लगने का मामला आया सामने, जिसमें चलती कार में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। दमकल विभाग मौके पर मौजूद रहा। ट्रैफिक जाम से लोगों की मुश्किलें भी बढ़ती हुई नजर आईं। क्रिकेट वर्ल्ड कप 1983 पर बेस्ड मूवी त्रासदी को बॉक्स ऑफिस पर बेहतरीन रेस्पॉन्स मिल रहा है। कपिल देव के रोल में बॉलीवुड सुपरस्टार रणवीर सिंह की जमकर तारीफ हो रही है। बाकी कलाकारों ने भी अपना अपना रोल बखूबी निभाया। गुरुग्राम में रामा क्रिकेट क्लब से जुड़े क्रिकेट के फैन इस फिल्म को देखने के लिए एक साथ ग्रुप में तकरीबन 70 के करीब लोग पहुँचे, जिन्होंने RCC के क्रिकेट ड्रेस पहनी हुई थी। फिल्म देखकर वापस लौटे लोगों का ये कहना है कि उन्होंने 1983 का वर्ल्ड कप तो नहीं देखा था, लेकिन इस फिल्म के माध्यम से उन्होंने उस हर पल को महसूस किया है। ये सदस्य हैं जो कि आज अपने परिवार के साथ इस फिल्म को देखने के लिए यहाँ पर आए हैं। मूवी के प्रति एक क्रेज है लोगों के अंदर। सबसे पहले तो इनसे पूछते हैं कैसी रही ये फिल्म, आपने देखी, कैसी फिल्म रही? फिल्म बहुत ही अच्छी है, एकदम हर एक इंडियन को ये इमोशनली चार्ज अप कर देगी। जैसे उस समय 83 वर्ल्ड कप जीती होगी तो जो खुशी हुई थी, आज मुझे लगता है फिल्म देख के भी लोगों के आंखों में आंसू आ गए। इतनी अच्छी एक्टिंग की है सबने और बहुत अच्छी फिल्म है। कपिल देव एक बड़ा उदाहरण बने, खासकर जिस तरीके की पूरी फिल्म लगा कि वो शायद वो पल दोबारा से वो सामने आए। बिल्कुल सर, हम बचपन से जब से हमने बल्ला देखा है या बॉल देखी है, हमने कपिल देव का ही नाम सुना था। पामोलिप का जवाब नहीं, ये उनका एक डायलॉग होता था, एक ऐड आती थी। उसके बाद उन्होंने जो इस मूवी में भी जो रणबीर ने भी उसका एक करेक्टर प्ले किया है, बिल्कुल उम्दा, बिल्कुल कपिल देव लग रहे हैं। और एक एक मूवमेंट में हमने इस मूवी को इतना एंजॉय किया, जैसे हमने आप जो भी हम मूवमेंट को एंजॉय करते हैं उससे बहुत बढ़िया बेहतरीन एक्टिंग की है सब किरदारों ने। तो क्या कारण आप तमाम लोग भी RCC की ही ड्रेस में यहाँ पर आए? आज हमारा भी एक सबका सा, जब भी ये मूवी रिलीज होगी तो ये मूवी साथ बैठ के देखेंगे, एक फैमिली की तरह। हमारी फैमिलीज भी साथ आई हैं, आज एक बहुत ही बड़ा ग्रुप इस मूवी को देखने आया, सो दैट हम वो सारे जो उस टाइम पे हमने जो मोमेंट्स मिस कर दी थी, आज वो सारी मोमेंट्स हम अपने साथ लेके जाएंगे। एंड इट्स अ मेमोरेबल थिंग फॉर अस दैट वी गेट टू यू नो सिट टुगेदर एंड वॉच दिस मूवी।
कुल कितने लोग आ पाए परिवार के साथ यहाँ पर, और खास वो पल कौन से रहे इस फिल्म के दौरान जो अपने क्रिकेट के जो पल खास देखे? खैर मेरे ख्याल से वी आर 50 पीपल हियर अलोंग विद आवर फैमिलीज हु हैव कम टू वॉच दिस मूवी। और जहाँ तक मूवी की बात है, जब मैं 10 साल का था तब इंडिया वर्ल्ड कप जीता था, तब मैं छोटा था, तब शायद उस चीज़ को मैं इतना शायद अनुभव नहीं कर पाया जितना मैंने आज इस मूवी को देख के अनुभव किया। रणवीर कपूर अगर बात करें, क्या उस पल को कपिल देव को वापस सामने रखा है? रणवीर सिंह की अगर बात करेंगे हम, बिल्कुल जी, उन्होंने बहुत अच्छे से इस चीज़ को निभाया है, नॉट ओनली बॉलिंग बट उनका जो स्वीप शॉट उन्होंने यूज़ करा था वो बहुत बढ़िया है। और मैं एक बात बताना चाहूँगा, मेरा नाम भी कपिल शर्मा है और मैं पेरेंट्स से पूछता रहता कि मेरा नाम कपिल क्यों है, तो आज वो समझ आ गया कि वो क्यों है। और थोड़ी देर में प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे। इस वक्त एक बड़ी जानकारी मिल रही है, पीएमओ ने ट्वीट कर जानकारी दी है, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही है। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री देश को संबोधित करने वाले हैं, इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी थोड़ी देर में।